जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने गुरुवार को लोसल के कोविड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने प्रभारी डॉक्टर राकेश चौधरी से सेंटर में बेड बढ़ाने को लेकर चर्चा की और कहा कि मरीजों के इलाज को लेकर अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी नजर आती है तो सूचना दे। इस मौके पर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने सेंटर प्रभारी को 3 ऑक्सीजन रेगुलेटर और सर्जिकल मास्क भी दिए। नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि इस्माइल नागोरी और समाज सेवी मोहन लाल बाचिया ने भी कोविड सेंटर को लेकर जिला कलेक्टर को बताया कि सेंटर खुलने के बाद जितने भी कोरोना मरीज आए वो सब यहां से ठीक होकर के गए हैं। यहां पर सभी लोगों के सहयोग से सेंटर सुचारू रूप से चल रहा है। डॉक्टर भी खूब मेहनत कर रहे हैं। कोविड सेंटर के निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर ने हरिपुरा गांव का भी दौरा किया और पार्षद वीआर हरिपुरा और रामेश्वर लाल बाजिया से गांव के हालात के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने कहा कि सोशल मीडिया पर गांव के बारे में गलत अफवाह फैलाई गई है, लेकिन वर्तमान में यहां के हालात स्थिर है। इस मौके पर दातारामगढ़ एसडीएम अशोक रणवा, लोसल नायब तहसीलदार अश्विनी कुमार, पालिका अय्यन सहदेव सबल, पटवारी सुखदेव सिंह, गिरदावर नंदलाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। में लोसल का जो कोविड केयर सेंटर है शुरू किया गया है और इसमें बहुत अच्छी बात है कि 11 मरीज इसमें अभी तक भर्ती हुए हैं। सभी जो है स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और यहाँ पे हमने जो व्यवस्थाएं देखी उसमें मरीजों से भी बात की है और वो भी अपने उपचार से संतुष्ट हैं यहाँ पे। और हमने थोड़ा सा और इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए सुझाव दिया है कि अभी इसमें वर्तमान में 10 बेड्स की क्षमता है, उसको अपन 20 से 30 बेड्स तक बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो टीकाकरण चल रहा है उसमें भी हम अभी अस्पताल में उसकी व्यवस्था कर रखी है, उसकी जगह उसको किसी और एक अलग से एक सेपरेट बिल्डिंग में करने के लिए कहा गया है, ताकि अगर संख्या अधिक होती है टीकाकरण करवाने वालों की तो उनको वहाँ पे दूरी रखते हुए मैनेज किया जा सके। सर, जो वैक्सीन को लेकर यहाँ पे काफी भीड़ काफी नजर आती है तो ऐसे तो अपन कोरोना के ऊपर सक्सेस नहीं हो पाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वैक्सीन के लिए थोड़ा सा भीड़ भाड़ अगर होती है मान लीजिए, तो हम लोग उसके लिए साइट भी इस तरह से बनाएंगे, एक साइट पे कुछ एक सीमित संख्या ही हो और फिर साइटों की संख्या बढ़ाई जाए और अलग अलग परिसर में किया जाए ताकि उसमें को भीड़ को अवॉइड किया जा सके। साथ में सर स्थानीय प्रशासन वो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह इसकी पालन नहीं करा पा रहा सर? नहीं, अगर आप मुझे कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट बताएंगे तो मैं उसको दिखा लूंगा। फिलहाल मैंने जो है यहाँ पे जो स्थानीय थाना है उसको भी निर्देश दिए हैं कि 11 बजे जो मार्केट बंद होने का समय है उसकी पालना एकदम सख्ती से कराई जाए, यदि वो उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर दुकानें सीज की। रिपोर्ट आई थी कि कुछ जो है सोशल मीडिया के माध्यम से कि कुछ लोगों की डेथ ज़्यादा हुई, उसके बाद यहाँ पे हमने कम से कम 2-3 बार हमारे सीनियर अधिकारी आके गए हैं, उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की है, सभी लोगों से बात की है। जो रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पे कुछ 31 डेथ हुई हैं उसको हमने वेरीफाई करवाया तो 18 डेथ्स की संख्या सामने आई, जो कि हमने उसको वेरीफाई भी किया, गाँव वालों से भी उसका सत्यापन करवाया और उन्होंने कहा है कि यही सही संख्या है। उसमें से कुछ 7 या 8 डेथ्स जो हैं वो शायद कोविड के कारण पाई गई हैं, जिनके सभी के घरों में हमने सैम्पलिंग करवा ली है, सभी परिजनों की, और बाकी भी जिनके घरों में मृत्यु हुई है उनके यहाँ भी हम लोग सैम्पलिंग करवाने के हमने निर्देश दिए हैं। यहाँ पे मोबाइल ओपीडी यूनिट हमारी कुछ दिन पहले भी यहाँ पे कैंप करके गई थी और आज हमने पुनः इसको बुलाया हुआ है और सभी पूरे गाँव में हम घोषणा करवा रहे हैं कि यदि कोई अपनी जाँच करवाना चाहे या फिर कोरोना के अलावा भी किसी प्रकार के कोई उनको चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता हो तो वो यहाँ पे आके अपनी जांच करवा सकते हैं। और वर्तमान में जो स्थानीय लोग हैं, मैंने कुछ परिवारों से भी बात की और जनप्रतिनिधि जो हैं पार्षद उनसे भी बात की, उनका यही कहना है कि वर्तमान में स्थिति काबू में है और ऐसी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है और अगर आवश्यकता होगी तो दोबारा से हम यहाँ पे सर्वे हमने शुरू करने को बोल दिया है। जो सर्वे एक बार पूरा हो चुका है वो हमारी टीम दोबारा करेगी और एक एक घर में जाके पता करेंगे कि अगर किसी को कोई लक्षण है तो उनको आवश्यकता अनुसार इलाज दिया जाए।